आप सभी लोगों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि यह इल्लीगल जो जमाड़ा लगाए हुए है इसको खाली कीजिए। यहाँ भीड़ नहीं लगा है, किसी भी तरह से अपरोक्ष रूप से आप इसमें अपना सहयोग नहीं प्रदान करें, क्योंकि यह पूरा जो मजमा है ये इल्लीगल है, अवैध है। यार मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एमएनसी 24 न्यूज़। आपके तरफ से आरआरबी एनटीपीसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। डाक बंगला चौराहे पे हम मौजूद हैं और अभी अभी तमाम जो जाप के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आपको हम बता दें कि कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से डाक बंगला चौराहा पे जो जाप के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव नहीं पूछे हैं, लेकिन तमाम जो जाप के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो मौजूद हैं पप्पू यादव के अलावा। लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जाप के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके कोतवाली थाना में ले जाके बंद करवा दिया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला है कि प्रदर्शन बंद करें, ये प्रदर्शन अवैध रूप से हो रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुने। बाधित किए हुए हैं आप सभी लोगों को, यह निर्देश दिया जा रहा है कि यह इल्लीगल जो जमाड़ा लगाए हुए है इसको खाली कीजिए, ताकि जन सामान्य जो विधि व्यवस्था है उसकी बहाल की जा सके। सभी जितने भी बैठे हुए हैं बीच में, विभिन्न दल के लोग बैठे हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं के लोग बैठे हुए हैं, आप लोग खाली कर दीजिए, जन सामान्य बाधित है। और चौराहा के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो यूं ही मूक दर्शक बने हुए हैं, वो सब अपने अपने काम पर जाए। यहाँ भीड़ नहीं लगाए, किसी भी तरह से अपरोक्ष रूप से आप इसमें अपना सहयोग नहीं प्रदान करें, क्योंकि यह पूरा जो मजमा है ये इलीगल है, अवैध है। फिर से आपको बोला जा रहा है, मेरे दाहिने और इधर मैं देख रहा हूँ डाकमोला की तरफ, इधर दाहिने कोने पर अभी भी खड़े हैं आप लोग, सब हट जाइए और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक बगैर कारण का यहाँ मत खड़े रहिए, सबके लिए लागू है। तो आपने सुन लिया किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी और कह रहे हैं वो साफ साफ कि अवैध रूप से प्रदर्शन हो रहा है, अनलीगल तरीके से ये प्रदर्शन, कृपया करके बंद कर दें और चले जाएं यहाँ से। जो लोग तमाशा देख रहे हैं, जो लोग साइड में खड़े हैं वो लोग भी हट जाएं यहाँ से, वो लोग भी नहीं खड़े रहें, नहीं तो फिर जो होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कह रहे थे पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपने सुना है। तस्वीरें फिर से आपको हम दिखा देना चाह रहे हैं किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो जाप के कार्यकर्ताओं को जारी है। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बाद आज तस्वीर निकल के आई, तमाम विपक्षी खेमे के लोग हो वो भी पटना की सड़कों पर उतरने की बात कह रहे थे, लेकिन फिलहाल डाक बंगला चौराहा पे अभी आए नहीं है। लेकिन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना के सड़कों की, किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार अभ्यर्थी भी अलग अलग जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कह दिया है ये अवैध रूप से हो रहा है, कृपया करके बंद कर दें, नहीं तो फिर जो होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहना था देखा आपने, आपको लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।